एक बेस्ट प्रीमियम बस सर्विस शुरू हो गई है। गवर्नर की मंजूरी के बाद प्रीमियम बस सर्विस शुरू कर दी गई। बस सर्विस का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सीएम केजरीवाल की अहम स्कीम है ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस। ऐप के तहत लग्जरी बस चलाई जाएगी। दिल्ली के लोगों को एक बड़ी सहूलत देने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, जहां इस एक बड़े स्कीम को अब आम लोगों के लिए नाफिज किया जा रहा है। दिल्ली में ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस शुरू की जाएगी। गवर्नर की मंजूरी के बाद प्रीमियम बस सर्विस शुरू होने से पहले आपको बता दें कि बस सर्विस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सीएम केजरीवाल की ये अहम स्कीम है, जिसका नाम आपको एक बार फिर से बताते हैं, ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस। ऐप के तहत लग्जरी बस यहां चलाई जाएगी। तो महत्वाकांक्षी ये स्कीम दिल्ली सरकार बताती आई है, और अब यहां गवर्नर की मंजूरी के बाद, एलजी की मंजूरी के बाद इसे नाफिज किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हालांकि पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, इसे कैसे आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा और कैसे इसका दिल्ली वाले फायदा उठाएंगे, इसको लेकर पूरी एक नोटिफिकेशन जो जारी होना चाहिए वो पूरी डिटेल जारी होगी। लेकिन फिलहाल दिल्ली सरकार की जो ये महत्वाकांक्षी स्कीम है वो अब जमीन पर उतरने के लिए तैयार है, ये बताने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। तो घर अब घर बैठे ऐप से आप टिकट बुक कर सकेंगे। ये एक बड़ी सहूलत दी जा रही है दिल्ली के लोगों के जरिए। दिल्ली के लोगों को ये बड़ी सहूलत देने के लिए आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दावे कर रही थी वो अब पूरे करती हुई नजर आ रही है। ग्राउंड पर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऐप के तहत अब लग्जरी बसेस चलाई जाएंगी। बलराम पांडे हमारे नुमाइंदे हमारे साथ दिल्ली से लाइव मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। बलराम, दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कही जा सकती है कि घर बैठे आप ऐप के जरिए अपनी टिकट बुक कर सकते हैं, कितनी ऐसी बसेस चलाने की तैयारी है और ग्राउंड पर इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये चाहते थे कि दिल्ली के अंदर जो प्रीमियम बस सेवा है उसको लागू किया जाए, जिसका लाभ दिल्ली की जनता उठा सके। यही वजह है कि इस पूरे आयोजन को लेकर के उन्होंने जिस तरीके की तैयारी की, जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले को अंजाम दिया और उन्होंने इस पूरी प्लानिंग को एलजी के पास भेजा था कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो ऐप बेस्ड प्रीमियम बस है वो कैसे चलाई जाएगी, पूरा उन्होंने प्रारूप एलजी के पास भेजा, जिसे एलजी ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी हो गया कि दिल्ली के अंदर जो प्रीमियम बस सेवा है वो शुरू की जाएगी। हालांकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सेवा है ये सिर्फ आप ऐप के जरिए ही इसका लाभ उठा सकते हैं। यानी अगर आपको इस प्रीमियम बस में सफ़र करना है तो आपको ऐप के जरिए बुकिंग करानी होगी, क्योंकि कैश टिकट आप नहीं ले सकते हैं, इसलिए आपको ऐप के जरिए बुक कराना होगा। ये बस जो है वो लग्जरी होगी और इस बस की जो सेवा है उसको लेने के लिए आपको DTC बस के किराए से ज़्यादा पैसा देना होगा।